उत्तराखंड की महिलाओं को आर्थिक रूप से सशक्त बनाने के लिए उत्तराखंड सरकार ने शुरू की हैं कई महत्वपूर्ण योजनाएं। रक्षाबंधन के शुभ अवसर पर मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी जी ने उत्तराखंड की महिलाओं को दे दिया है एक और खास तोहफा। मुख्यमंत्री सशक्त बहना उत्सव योजना के माध्यम से प्रदेश में कार्यरत तमाम महिला समूहों द्वारा निर्मित उत्पादों को उपलब्ध कराया जाएगा व्यापक बाजार। स्वयं सहायता समूहों की सहायता के लिए गठित किया जाएगा एक विशेष कोष। मातृशक्ति को सशक्त बनाने के लिए सरकार ने लिए हैं अहम फैसले। प्रधानमंत्री जी के बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान को आगे बढ़ाते हुए राज्य में शुरू की गई है मुख्यमंत्री महालक्ष्मी योजना। इसके तहत प्रथम दो बालिकाओं के जन्म पर माता और नवजात कन्या शिशु को मुख्यमंत्री महालक्ष्मी किट कराई जा रही है उपलब्ध। आंगनवाड़ी बहनों के मानदेय में की गई है बढ़ोतरी। सरकारी नौकरी में महिलाओं को दिया जा रहा है 30% क्षैतिज आरक्षण। तो आपदा प्रभावित क्षेत्रों में गर्भवती महिलाओं को हेली सेवा उपलब्ध कराने के दिए गए हैं निर्देश। रक्षाबंधन पर सार्वजनिक बसों में बहनों के लिए होगी निःशुल्क यात्रा की व्यवस्था। नमस्कार, भाई बहन के प्रेम और अटूट रिश्ते के प्रतीक रक्षाबंधन के पावन पर्व की आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। हमारी सरकार प्रदेश की माताओं बहनों के कल्याण और सशक्तिकरण के लिए पूर्ण रूप से समर्पित है। इस रक्षाबंधन पर प्रदेश सरकार द्वारा मुख्यमंत्री सशक्त बहना उत्सव योजना को प्रारंभ किया गया है और हमारी माताओं बहनों हेतु उत्तराखंड परिवहन की बसों में निःशुल्क यात्रा की भी व्यवस्था की गई है। एक बार पुनः आप सभी को रक्षाबंधन की अनेकों शुभकामनाएं। धन्यवाद। सशक्त मातृशक्ति, सशक्त उत्तराखंड।